आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दे। किसानों की आवाज तो यार अंग्रेजी बोलोगे तो हम तो किसान बोलो ना, हम किसान के बेटा है ना। भाई बाबू बुला ले ना, मोहसिन बाबू बुला ना, चल यार एक मिनट बात करो मैं निकल जाएगा। अरे चलो 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 किसान भैया क्या कहेंगे, आज लॉ का इंजेक्शन कहाँ लॉन्च हुआ है भाई, मुंह नीचे नहीं देखिए। संगीत की जो चीज है कि संगीत की बातें सब बहुत ये हम वहाँ होते हैं क्योंकि हम एक संगीत के और माँ शारदे के पुत्र हैं, ये भी पुत्री हैं और इस गाने से लॉन्च हुई है। आगे क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, बट इस गाने में इन्होंने ये बहुत खूबसूरत लग रही है और भाव तो दिल का राजा है। इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, हम लोग दोनों भाई बी पोस्ट में थे और एक अलग हम दोनों की टिकड़ी थी कि हम और, तो थे और समझते केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे, क्या गाना था मालूम है, हर कदम पर कोई का दिल है कहाँ जाए कोई, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था, सुबह उठता था इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर, ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये भाव और ये भाव का प्यार है क्योंकि हम दोनों ने जो भी उसका सफर तय किया बड़ा मुश्किल था और भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था भी उसके जाने के बाद मेरी नजरिया और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान है जितनी सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेंशन थे सबके पास हुआ बट मैं किसी में नहीं गया, लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई और अच्छा लगता है इनसे मिलने के बाद, एक ऊर्जा मुझे आती है और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठा सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था इसके वजह से, और मैं 2 महीने से लंदन में था अपनी फिल्म की शूट कर रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था, उसके लिए सॉरी। ये लव का इंजेक्शन अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का, ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दे, चल रहा है चल रहा है, अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दे। अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो कूदते रहो। 2 फरवरी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके साथ, क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा ये इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़े। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के ये भाव दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य हैं, बड़ा प्यार करता हूँ उनको और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। जब भी याद आता ना मेरे को कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, हर कदम पे कोई का दिल है, सब लाइव देखे हैं। बस यही दुआ है हमारी कि पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितनी भी टीम इसमें काम की है, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्ज्वल हो, मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी दे रहा हूँ। खेसारी भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमने जितना करना था हम कर चुके हैं, हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी, जिनको और दिखाना है वो दिखाएं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो है वो बाहर से भी उतना ही कुल है, और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है, यही समझ लो। गाना ना एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग,
वो समझ लेना वही थे। केसरी भैया अब दिखेंगे भोजपुरी पिक्चर में भी हिंदुस्तानी भाव साथ में दिखेंगे। हिंदुस्तानी भाव हमारे दिल में है, तुम्हें जा रहे तो वहाँ तो है ही नहीं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। और ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूंगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई ये कहा दूर हम सारे जी। अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बने करोड़पति में, दो ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। वो तो हमारे पिता तो नहीं, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है, और भगवान के जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं। और उस भगवान को सलूट है कि कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नजर में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू, थैंक यू ऑल, थैंक्स। चलो ताकि जीवन में प्यार ही प्यार मिले, और लव का इंजेक्शन बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री के लिए साबित हो, मेरी शुभकामना और दुआएं हैं अपने हिंदुस्तानी भाव के। बहुत अच्छे इंसान है वो, जितने बाहर से हैं उतने अंदर से उतने ही शौक है वो। थोड़ा बाहर से हो सकता है जो भाषा में प्रॉब्लम हो, बट वो इंसान बड़े अच्छे हैं और मुझे उस इंसान से प्यार है, भाषा से नहीं। 2021 क्या है, किस तरह की 2021 में मेरे पास तो बहुत, एक्चुअली मैंने 25 सिनेमा साइन किए हैं, बट मैं 25 कर नहीं पाऊंगा, 2022 तक जाएगा वो। शुभकामना है इस चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको दिल से शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर आप सबके जीवन में खुशियां। मेरा भाई भाषा, मेरा भाई रुक रुक कीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। 2021 में मिलते हैं कहा से लाया जल्दी ले, जल्दी ले लो। यहाँ भी घुस गया, यहाँ भी घुस गया लड़का, वो पहले ही आ गया भैया। ये आसन का बाकी है, दबा दिए, दबा दिए। अच्छा अच्छा बिल्कुल, हम लोग फिलहाल में आए थे। ऑडियो एल्बम जो है वो बड़ी ऊंचाइयों पे जाए, मैं शुभकामना अपने भाई को। बिग बॉस 14 कितना देख रहे हैं आप? सॉरी, बिग बॉस 14 देख रहे हैं आप? नहीं यार, मैं एक्चुअली मैं सलमान भाई को मैं हैप्पी बर्थडे टू यू सलमान भाई, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और आप खुश मिजाजी इंसान है भी, और हम आपको मिस तो करते हैं। बिग बॉस में आपको देखने की एक आदत सी पड़ गई थी, लेकिन मैं इधर बिग बॉस इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं 2 महीने से लंदन में था।